हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क में टाइप ऑफ डेटा, टाइप ऑफ सिग्नल, पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक सिग्नल एंड एनालॉग सिग्नल। ये चार टॉपिक हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, है ना। हम जो है ये सब समझ लेंगे कि डेटा टाइप ऑफ डेटा कितना होता है, कितने टाइप के डेटा होते हैं, टाइप ऑफ सिग्नल कौन से होते हैं, पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक सिग्नल क्या होता है और एनालॉग सिग्नल क्या होता है। तो ये हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो व्हाट इज टाइप ऑफ डेटा एंड टाइप ऑफ सिग्नल, ठीक है। डेटा कैन बी एनालॉग एंड डिजिटल। डेटा जो है दो तरीके के हो सकते हैं, एक एनालॉग डेटा हो सकता है, एक डिजिटली डेटा हो सकता है ना। एनालॉग डेटा रिफर टू इंफॉर्मेशन दैट इज कॉन्टिन्यूअस, है ना। ऐसे डेटा जो कॉन्टिन्यूअस के फॉर्म में होते हैं, है ना, ऐसे इंफॉर्मेशन जो कॉन्टिन्यूअस के फॉर्म में होते हैं वो जो है एनालॉग डेटा कहलाते हैं। कॉन्टिन्यूअस के फॉर्म में जैसे कि साउंड हो गया, है ना, कोई अगर ह्यूमन साउंड निकालता है तो वो कॉन्टिन्यूअस के फॉर्म में है ना, तो वो क्या है, एक एनालॉग डेटा है, ठीक है। और डिजिटल डेटा क्या होता है, डिजिटल डेटा रिफर द इंफॉर्मेशन दैट हैज़ ए डिस्क्रीट स्टेट, है ना, जिसका डिस्क्रीट स्टेट होता है। डिस्क्रीट स्टेट मतलब कोई वैल्यू होती है उसकी, है ना, जीरो या वन, है ना, ऐसी कोई इस तरीके की जो डिस्क्रीट वैल्यू होती है उसको हम जो है डिजिटल डेटा बोलते हैं। तो डिजिटल डेटा टेक द डिस्क्रीट वैल्यू, है ना, डिस्क्रीट वैल्यू डिजिटल डेटा जो है टेक करता है, ठीक है। एग्जाम्पल, डेटा आर स्टोर्ड इन ए कंप्यूटर मेमोरी इन द फॉर्म ऑफ जीरोज एंड वन, है ना। जो डेटा होता है ना, जो डेटा डिजिटल डेटा होता है, वो अगर कंप्यूटर के मेमोरी में स्टोर करना है तो वो जीरो वन के फॉर्म में ही स्टोर होता है, तो वो जो है डिस्क्रीट वैल्यू होती है, ठीक है। ये हमें समझ में आ गया कि डेटा कितने तरीके होते हैं। डेटा जो है दो तरीके के हो सकते हैं, एक एनालॉग डेटा होता है, एक डिजिटल डेटा होता है, ठीक है। अब सिग्नल भी दो तरीके के हो सकते हैं, जो हमारे सिग्नल्स आते हैं वो भी दो तरीके के हो सकते हैं। एक होता है एनालॉग सिग्नल, एक होता है डिजिटल सिग्नल, है ना। एनालॉग सिग्नल में क्या होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेंज होती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं, है ना, एनालॉग सिग्नल में, है ना। और जो डिजिटल सिग्नल, इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं, है ना, लिमिटेड नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं, ठीक है। एनालॉग सिग्नल किस तरीके का दिखता है, एनालॉग सिग्नल वेव की फॉर्म में दिखता है हमारा एनालॉग सिग्नल। जो डिजिटल सिग्नल होता है वो एक जो है डिस्क्रीट की फॉर्म में दिखता है, ठीक है, अप डाउन इस तरीके की जो है वेव फॉर्म जो है डिजिटल सिग्नल की हमारी दिखती है। अब पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक सिग्नल क्या होते हैं, है ना। सिग्नल विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर द फिक्स टाइम पीरियड और कॉल्ड पीरियोडिक सिग्नल। पीरियोडिक सिग्नल क्या होता है कि एक फिक्स टाइम ऑफ पीरियड के बाद अपने आप को रिपीट करते हैं, एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद अपने आप को रिपीट करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, पीरियोडिक सिग्नल कहलाते हैं, है ना। नॉन पीरियोडिक सिग्नल क्या होते हैं, सिग्नल विच डू नॉट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर फिक्स टाइम ऑफ पीरियड और कॉल्ड नॉन पीरियोडिक सिग्नल, है ना। नॉन पीरियोडिक सिग्नल कौन से होते हैं, फिक्स टाइम पीरियड के बाद अपने आप को रिपीट ना करें, ठीक है। तो इस तरीके के जो सिग्नल होते हैं वो नॉन पीरियोडिक सिग्नल होते हैं, ठीक है। पीरियोडिक सिग्नल देख लीजिए, इस तरीके का जो है पीरियोडिक सिग्नल होता है, एक फिक्स टाइम ऑफ साइकिल पे जो है अपने आप को रिपीट कर रहा है, ठीक है। ये नॉन पीरियोडिक सिग्नल, नॉन पीरियोडिक सिग्नल देख रहे हैं, एक बार डाउन आया, फिर कम डाउन हुआ, फिर अब ज़्यादा फ्रिक्वेंसी हो गई इसकी, फिर कम फ्रिक्वेंसी हो गई, इस तरीके के जो नॉन पीरियोडिक सिग्नल होते हैं तो वो कम ज़्यादा होते रहते हैं। लेकिन जो पीरियोडिक सिग्नल होते हैं वो फिक्स जो है फ्रिक्वेंसी या फिक्स साइकिल पे जो है ये काम करते हैं, ठीक है। वी कॉमनली यूज पीरियोडिक सिग्नल और नॉन पीरियोडिक सिग्नल इन डिजिटल सिग्नल, है ना, डिजिटल सिग्नल, है ना। तो हम जो है पीरियोडिक एनालॉग सिग्नल एंड नॉन पीरियोडिक डिजिटल सिग्नल जो है दोनों पे हम यूज करते हैं, ठीक। अब हम देखने वाले हैं एनालॉग सिग्नल क्या होता है, एनालॉग सिग्नल क्या होता है इसके बारे में हम देखेंगे। एनालॉग सिग्नल इज ए इनफाइनाइट मैनी लेवल्स ऑफ इंटेंसिटी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। मतलब जब एक एनालॉग सिग्नल होता है वो इनफाइनाइट लेवल्स होते हैं उसमें, है ना, इनफाइनाइट लेवल होता है और किसी टाइम पीरियड पे इसकी इंटेंसिटी कम ज़्यादा होती रहती है, ठीक है। मैनी लेवल्स ऑफ इंटेंसिटी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, है ना, कई लेवल्स होते हैं किसी टाइम पीरियड्स पे, ठीक है। एनालॉग सिग्नल इस तरीके का होता है। सिंपल
एनालॉग सिग्नल इज साइन वेव, है ना। जो सिंपल एनालॉग सिग्नल किसको हम बोल सकते हैं, जो साइन वेव का जो ग्राफ होता है, साइन वेव का ग्राफ होता है, वो हम उसको सिंपल एनालॉग सिग्नल बोल सकते हैं। ये एक सिंपल एनालॉग सिग्नल है ना। इसमें जो है सेम फ्रिक्वेंसी पे ये जो है काम कर रहा है, तो ये सिंपल एनालॉग सिग्नल है, या इसको हम साइन वेव भी बोल सकते हैं। ठीक है, साइन वेव की तरह ही दिख रहा है। साइन वेव का ग्राफ आप जानते ही हैं, आपने पढ़ रखा होगा। ठीक है, साइन वेव इज कैरेक्टराइज बाय द थ्री पैरामीटर्स, है ना। जो एनालॉग सिग्नल में जो साइन वेव होती है, उसको हम तीन पैरामीटर में हम मेजर करते हैं। तीन पैरामीटर जो है होते ही होते हैं इस ग्राफ के अंदर। कौन कौन से पैरामीटर होते हैं इस ग्राफ में? पहला पीक एम्पलीट्यूड, ठीक है, दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी, और तीसरा होता है फेज, है ना। तीन पैरामीटर होते हैं साइन वेव के, है ना, एनालॉग सिग्नल के साइन वेव में तीन पैरामीटर होते हैं। एक पीक सिग्नल होता है, एक फ्रीक्वेंसी होता है, एक फेज होता है ना। एक एक करके हम समझते हैं। पीक एम्पलीट्यूड क्या होता है? पीक एम्पलीट्यूड, द पीक एम्पलीट्यूड ऑफ ए सिग्नल इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ हाई इंटेंसिटी। एक एब्सोल्यूट वैल्यू होती है जिसपे इंटेंसिटी बहुत हाई होती है ना। ऐसा एम्पलीट्यूड, जैसे कि ये जो है एक वेव जो है ट्रेवल कर रहा है, इसकी हाई इंटेंसिटी इस लेवल पे है ना, हाई इंटेंसिटी इस जगह पे है। आपको नहीं दिख रहा होगा, हाई जो पीक वैल्यू है, हाई इंटेंसिटी इस जगह पे है ना, इस जगह पे। तो इसको जो है पीक एम्पलीट्यूड बोलेंगे, है ना। सिग्नल का पीक एम्पलीट्यूड इस जगह है ना। और ये कोई लो सिग्नल है ना, इसका पीक एम्पलीट्यूड इस जगह है। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ सिग्नल इज प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी कैरीड इन अ सिग्नल, है ना। द मैग्नीट्यूड ऑफ द सिग्नल, जो मैग्नीट्यूड होता है एम्पलीट्यूड, हाँ, एम्पलीट्यूड ऑफ अ सिग्नल इज द प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी कैरीज बाय द सिग्नल, है ना। तो जो एम्पलीट्यूड होता है वो एनर्जी के बराबर होता है ना। जो एनर्जी कैरी कर रहा है कोई सिग्नल, है ना, उसी को हम जो है एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ ए सिग्नल, है ना। अब हम ये देखते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होता है ना। किसी भी साइन वेव में या एनालॉग सिग्नल में फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी रिफर टू द टोटल रिफर द नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट बाय द वेव इन ए वन सेकेंड, है ना। एक सेकेंड में कितने साइकिल कंप्लीट हो जाते हैं उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड बाय ए वेव इन वन सेकेंड, है ना। एक सेकेंड में कितने साइकिल कंप्लीट होते हैं उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे कि इसमें कितने साइकिल हैं, ये एक साइकिल हो गया, फिर ये एक दो साइकिल हो गया, ये एक तीन साइकिल हो गया, ये एक चार साइकिल हो गया, ये एक पांच साइकिल, इस तरीके से 12 साइकिल होते हैं, 12 साइकिल हो गए एक सेकंड में, है ना। ये एक ग्राफ है जिसमें 12 साइकिल हैं एक सेकंड में, तो इसमें कितना हो गया, 12 साइकिल हो गए। तो उस साइकिल को हम क्या बोल देंगे, 12 फ्रिक्वेंसी बोल देंगे। 12 हर्ज फ्रिक्वेंसी जो है इस ग्राफ के अंदर हमारी चल रही है एक सेकंड में, एक सेकंड में जो है 12 फ्रिक्वेंसी होगी। तो हम समझ गए फ्रिक्वेंसी क्या होती है। अब हम फेज के बारे में बात करते हैं। फेज डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ वेव फॉर्म विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। वेव फॉर्म की पोजीशन को बताता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, किसी टाइम पे जो है ना वेव फॉर्म की पोजीशन को बताता है कि वो किस एंगल पे है, किस एंगल पे, किसी एक्सिस पे, किसी एक्सिस से किस एंगल पे जो है हमारी वेव फॉर्म है उसको जो है फेज बताता है। फेज जो है हम डिग्री और रेडियन में मेजर करते हैं। जो हमारा फेज होता है वो हम डिग्री में मेजर करते हैं, जैसे 60 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, 180 डिग्री हो गया, है ना, 360 डिग्री, इस तरीके से जो है फेज को हम डिग्री और रेडियन में हम मेजर करते हैं। ठीक है, पोजीशन बताता है, हमारी जो वेव फॉर्म चल रही है इसकी जो है पोजीशन बताता है, किस पोजीशन पे अभी वो ट्रेवल कर रहा है। तो उस पोजीशन को हम नापने के लिए हम फेज का इस्तेमाल करते हैं। फेज जो है डिग्री और रेडियन में हम वैल्यू होती है उनकी। सो थैंक यू।